इसे नहीं, पहले हाँ हम दिस ध्यान, मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. हाँ अब हम इसको मतलब पहले ध्यान भी चलते हैं मिकी हाँ ये ध्यान का जी. बस आपको यस सिर्फ आप एक इंटेंशन डालिए कि वी आर कनेक्टेड विद द एनर्जीज ऑफ द ग्रेट दैट मास्टर्स हैड मेड फॉर अस. जी. मिकी जी म्यूजिक देना है या आप देंगे या हम हमें देना है? देखना हल्का सा म्यूजिक रख लीजिए. ठीक है. एक बार फिर आपके बारे में बता देती हूँ. मिक्की जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप पंजाब से हैं और एक थर्ड आई मास्टर हैं, लाइट लैंग्वेजेस बोलती हैं, रिकॉर्ड करती हैं, हीलर हैं. आपका स्वागत है. एक बार आप आएं और हमें ध्यान की तरफ ले चले. व्हाट थैंक यू ऑल. डू यू जस्ट क्लोज योर आईज. अमामो शिकाकतते अरहस्तस्तोचः. एक बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर में एकदम शांत एकदम स्थिर होते हुए अर्था उर्दत तहाश्तों मास्टर्स आर So just feel their presence and absorb this energy that is building around you. Open your heart center. Just give an intention that I open my heart center. और जैसे ही आपका हार्ट सेंटर खुलता है शिकातते आपके सभी चैनल्स ओपन होने लगते हैं टू रिसीव दिस लाइट. एंड वी आस्क मास्टर्स The light of higher beings of love and light, and the light that is connected with the 12 great central sun into our being, the purpose of our higher self, team of light for the highest best. ये जो words हैं, energy of light, energy की भाषा. विजुअल है आपके सेल्स के साथ कम्युनिकेट करती हुई. सो नो नीड टू बी स्ट्रेस्ड शिकातेश. इसे समझने की जरूरत नहीं. ये जो वर्ड्स हैं आपके सेल्स के अंदर जाके आपके डीएनए से कम्युनिकेट करती हैं और आपके सेल्स आपके डीएनए को ये भाषा अच्छी तरह से समझ आती है. सबसे ज्यादा ये एनर्जी ये वाइब्रेशन ये फ्रिक्वेंसी महसूस करने के लिए है. कुछ आपके अंदर की कोड्स कुछ ज्योमेट्रीज को एक्टिवेट करेंगे जो हजार बंद थी. और अधिक सभी ग्रेड ऊर्जा हमारे इस ग्रिड में प्रवेश करती हुई को में अर्ता उमुमुमुश अर्ता उरुतुतुकुतुतुशः ओपनिंग योर क्राउन सेंटर बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज की ऊर्जा 12 ग्रेड सेंटर्स की ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करती हुई. ऊर्जा को पता है उसे कहाँ जाना है. आपको सिर्फ परमिशन देनी है. यू आर रेडी टू रिसीव द हाईएस्ट लाइट हाईएस्ट हीलिंग हाईएस्ट एनर्जीज ऑफ द मास्टर्स. डोंट रेजिस्ट अलाउ द एनर्जी टू वर्क. कुछ लोगों को शिवरिंग हो रही है. इट्स ओके स्वाइन. It is a symbol and a sign of healing. Imamatate katatu shivamatate katatu shikakatate shikakatate shaha. Ye mere words aapki bhi language ko activate kar sakte hain. So don't resist. Amamatate katatu shaha. Behne do is divinity ko पवित्र ऊर्जा
अपने भीतर हजारों जन्मों से आपने पल का इंतजार किया, पूरे 12 ग्रेट सेंट्रल की ऊर्जा के साथ अटैचमेंट में आने के लिए मैंने दो इस ऊर्जा को अपने ऊर्जा क्षेत्र में श्री ममत देश ओपनिंग योर सेल्स डीएनए अककू अरहा बहनी दो इस ऊर्जा के आते ही आपके शरीर से बाहर आने लगी है अरददेशा कॉलिंग फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ड्रैगन्स टू सराउंड ईच एंड एवरी सिंगल पार्टिसिपेंट कॉन्टिन्यूसली ब्लोइंग वाइल्डर टाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन जो भी एनर्जी आपके शरीर से हो रही है परिवर्तित होता हुआ लव एंड लाइट में ऐसी कोई भी ऊर्जा जो आपके काम की नहीं है आपके शरीर से रिलीज होती हुई जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके 75 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट होते हुए ओपन होते हुए कार्मिक ऊर्जा बाहर आती रहती है Masters of Karmic Council, Masters of Akashic Record, and all divine planets का भी आह्वान कर रहे हैं Archangels, forgiveness का भाव रखते हुए भाव रखते हुए अपने हार्ट चक्र को और अधिक खोलते हुए माफ करते जाना है बहुत सारे कार्मिक लाइफ टाइम आज हील होने के लिए ये भाव कि मैं सभी को माफ करने के लिए तैयार हूं और खुद को भी माफ करने के लिए तैयार हूं पहले दीजिए आज इस ऊर्जा को अपने भीतर बहुत सारी कार्मिक कोर्स रिजॉल्व होने लगी हैं शिकते माफ कर दें जितना ज्यादा आप माफ करते जाओगे उतना अधिक आप ये दर्द रिलीज कर पाओगे किसी को भी बच्चा दिख रहा है अपने सामने उसे एक्नॉलेज कर ले माफ कर दे फॉरगिवनेस और बहुत सारा प्यार अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हुए उसका वक्त था जाने का अपना मृत्यु का समय लिखवा कर लाता है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं यू डिड द बेस्ट फॉरगिव योरसेल्फ
cut your cords. Cut your cords. Forgive yourself. Send lot of love, lot of light. Calling for Makwanian. Ma Green Tara. Mother Isis. To wrap you in your wings. And wrap this child in your limb. Albatate kutatu takatiti shikagatate. Shikagatate. Maaf karte jai. Aaj वक्त आ गया है इस बच्चे को भी नेक्स्ट इवोल्यूशन पर जाना है. आपके प्रेम आपकी गिल्ट की वजह से ये सोल स्टक हो गई थी. आज इसे रिलीज करते हैं हायर डायमेंशंस पे. वो बहुत सेफ. आस्किंग द हायर सेल्फ ऑफ दिस चिल्ड्रन एंड द मदर टू मेक देम अंडरस्टैंड. Make a tunnel of light so that he can transcend into the next level of evolution. Mothers ki urja, aap sabko apne wings pe wrap karti hui, aapke heart ko heal karti. माफ करते जाए. अर्थ कथित शिका कथित ओम अर्थ कथित शिका कथित ओम अर्हस्ती शोम. रिलीज ऑल पेन ऑल गिल्ट ऑल शेम दैट यू हैव स्टोर्ड एनर्जीज ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ. लगातार प्रतिशोध करती हुई Altom Shikagatato Shah. Keep on releasing sadness and grief from your heart chakra or the heart chakra. Only for Archangel Michael and his family to cut all draining cords that are attached to heart center from front and back and pull them with roots. पेरेंट्स से बिछड़ जाते उनका आत्मिक उनकी डेथ हो जाती है तो बहुत सारा पेन और ट्रोमा रह जाता है. तो मास्टर सच कह रहे हैं जैसे ये बच्चा आज रिलीज हुआ है तो आप सब का भी किसी ना किसी लाइफ टाइम में बहुत सारे इस तरह के हादसे हुए हैं जिसकी सैडनेस और आपके हार्ट चक्र में है. सो विद द परमिशन ऑफ दिस विद योर हायर सेल्फ आस्किंग दिस टू रिलीज ऑल दिस लाइफ टाइम फ्रॉम ऑल पैरेलल टाइम्स ऑल पैरेलल रियलिटीज अक्रॉस ऑल डायमेंशंस टाइमलाइंस एंड स्पेस ऑल दिस टाइप्स ऑफ लाइफ टाइम
lot of trauma and pain. And all that goes related to these lifetimes, sending lot of love, lot of light, lot of healing, lot of blessings to all those children. Asking masters to pull out all trauma that is held in the DNA, lot of pain, heaviness. With deeper understanding, with deeper wisdom, asking these old fields of illusions, there is no death. Release sadness and grief from past life also and from this lifetime also. बहुत अधिक ऊर्जा लगातार बहती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र बहुत सारी वायलेट लाइट आपके चारों तरफ आपके भीतर दर्द की ऊर्जा को ट्रांसमिट ट्रांसफॉर्म करती हुई trauma, dard, grief, anger towards God. एकदम से शांत स्थिर होते हुए एकदम से शांत और अधिक करुणा उनके लिए जिनकी वजह से आप भी रुक गए थे उन पिछले जन्मों में आप भी उस दर्द से नहीं उबर के उबर सके जिसकी वजह से वो ट्रोमा वो पेन वो दर्द आज भी आपके सेल्स आज भी आपके डीएनए में है और वो कॉर्ड्स आज तक कनेक्टेड है तो कटिंग ऑल दैट कॉर्ड आस्किंग मास्टर्स टू इंटरवीन द हायर सेल्फ टू इंटरवीन मेक ईच एंड एवरीवन अंडरस्टैंड द डिवाइन विजडम टू बी डाउनलोडेड द 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 Time to release. वो ट्रोमा वो पेन वो ग्रीफ सेल्स में इकट्ठा है जो हार्ट चक्र को एक्सपेंड नहीं होने दे रहा सो कीप रिलीजिंग ऑल दिस एनर्जीज ऑफ ग्रीफ एंड सैडनेस pain हो सकता है आपको heart में it's perfectly okay you are releasing energy of thousands of lifetime amamata tikata teishika kata teishaha cutting all cords sending them to light to be absorbed by the source energy all these cords to the appropriate dimension Release calling for more light into your Hara center. Navke niche chakra mein pain, uneasy, discomfort feel ho sakta hai. So lot of cords are connected here. So calling for master archangel to cut all these cords. Pull them with roots. Give it to light to be transmuted and transformed. Alta ta 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 ta. Shikha ta 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 ta. Alta ta 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 shikha ta 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 shaha. Bahut sari resistance. Surrender to the light. Surrender to the master.
मन में भाव रखते हुए जो भी मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए है, मैं उस ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हूँ और उन सभी ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार जो मेरे अच्छे के लिए नहीं। बहुत सारे महाप्रताप ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हुए keep on breathing and absorbing the energies. Our masters are holding space. जैसे जैसे आप energies को छोड़ते जाओगे, पुरानी काली और अधिक ऊर्जा आपके क्षेत्र में प्रवेश करने लगेगी, आपके ऊर्जा क्षेत्र में आप बहुत अधिक रिलैक्स फील करोगे, लाइट फील करोगे। बहुत अधिक ट्रॉमा, बहुत अधिक को, बहुत अधिक अटैचमेंट, जन्मों जन्मों की ये अटैचमेंट आपके ऊर्जा क्षेत्र से आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हुई, जो बहुत ज्यादा ग्रीफ और सैडनेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से बनी हुई है, अटैचमेंट की वजह से है। सो कीप ऑन रिलीजिंग, डिसॉल्विंग दीज एनर्जीज इनटू दिस प्योर लाइट। अपने आप को भी आजाद करें और उन सोर्स को भी आजाद करें जो आपके साथ अटैच है जन्मों जन्मों से। वायलेट ड्रैगन्स, आर्कएंजल ज़ेडकियल लगातार ब्लो करते हुए वायलेट लाइट को, और मास्टर्स बहुत ज्यादा वायलेट कलर के क्रिस्टल्स इस ग्रिड में एंकर करते हुए वायलेट लाइट की ट्रांसम्यूटेशन की ऊर्जा, ऊर्जा के स्वरूप को परिवर्तित करती हुई। ऐसी कोई भी ऊर्जा जो आपके काम की नहीं, प्योर लाइट में, प्योर सोर्स लाइट में कन्वर्ट होती हुई। बहने दे ऊर्जा को अपने भीतर और गहरे और गहरे और गहरे, सिर से लेकर पैर तक, आपकी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी में डीप क्लींजिंग, डीप डीप दे। मास्टर्स आर्कएंजल्स ऊर्जा क्षेत्र को और क्लियर करते हुए और सैडनेस और ग्रीफ की ऊर्जा को रिलीज करते हुए ऊर्जा रिलीज होती जा रही है। आपका हार्ट चक्र और अधिक एक्सपेंड होने लगा है। झरने की भांति ऊर्जा लगातार आपके ऊर्जा क्षेत्र से वायलेट कलर के क्रिस्टल्स, आर्कएंजल ज़ेडकियल की ऊर्जा, सेंट जर्मियन लेडी पोर्शिया की वायलेट कलर की ऊर्जा,
कॉस्मिक डायमंड कलर की ऊर्जा लगातार इस ग्रिड में प्रवेश करती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र को सराउंड करती हुई, एक एक सेल डीएनए आरएनए में प्रवेश करती हुई और इन पेनफुल ट्रोमेटिक मेमोरीज को आपके ऊर्जा क्षेत्र नो जजमेंट, न खुद के लिए न उन सोल्स के लिए, साक्षी भाव से देखते हुए बहुत सारा प्यार उन सब सोल्स को भेजते हुए, उन सभी शिकायतों को एक्नॉलेज करते हुए और रिलीज करते हुए और क्षेत्र बहने दीजिए इस ऊर्जा को, सभी रेजिस्टेंस को रिलीज करते जाएं, मदर आइसिस मां क्वानियन मां ग्रीन तारा की ऊर्जा क्षेत्र करते हुए एक डिवाइन विजडम डिवाइन अंडरस्टैंडिंग डाउनलोड होती हुई आपके ऊर्जा क्षेत्र में, आप अपने हारा चक्र में स्टोर करके रखा था आज रिलीज होती हुई, आत्मज्ञान के द्वारा आत्म जागृति के द्वारा और अधिक पेन रिलीज होता जा रहा है और अधिक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में आती जा रही है, आगे उन सेल्स और डीएनए को रिपेयर करते हुए जिसमें आपने बहुत अधिक ऊर्जा बहुत जल्द ये गुस्से की स्टोर करके रखी थी बारिश कॉस्मिक ऊर्जा आपके ऊर्जा क्षेत्र में बहती हुई आपके सेल्स डीएनए आरएनए बोन ब्लड एक एक सिस्टम में ये कॉस्मिक ऊर्जा बहती हुई ऊर्जा क्षेत्र में एक ह्यूज एक्सपेंशन होता हुआ, हृदय चक्र एक्सपेंड होता हुआ अंत जन्मों जन्मों से तक ये सोल आज रिलीज होती हुई लेवल ऑफ एवोल्यूशन की ओर जाती हुई, हमारा हारा चक्र भी चेंज होता हुआ इन कोड के कटने से जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रही थी और अधिक लाइट आपके हारा चक्र में भी बहने लगी है, एक एक सेल में एक एक सूर्य का प्रकाश फैलता जा रहा है, हजारों मिनी सन आपके ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र को एक्सपेंड करते हुए ये गहरे जमीन
alto ratatatete ratatatete kototom altakatiti kotote shikakatatom arahastastom shikakatate shikakatatom cha one the release in energy altakatiti ratatiti shikakatatom arahastastom shimamatate katatatom altakatete shikakatate shaha अपनी सभी शिकायतों को डिसॉल्व होने दें। ये गुस्सा शिकायत शहा कीप ऑन रिलीजिंग गहरे गहरे उतरती हुई जीव ऊर्जा सभी 12 ग्रेट संत की ऊर्जा क्राउन चक्र से लगातार बहती हुई हृदय चक्र में प्रवेश करती हुई हृदय चक्र को खोलती हुई और अधिक ऊर्जा का प्रवाह आपके हृदय चक्र में जन्मों जन्मों से दर्द की ऊर्जा आपके हृदय चक्र को बांध कर ये ऊर्जा विजडम के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ अल्तकोततोम तकातितिकतते शिकाकततोम तकातितिति शिकाकततोम अल्तकातितिति शिकाकतते शिकाकततोम अर्तकातते इष्टोम ततितिति शि इशा अरहस्तस्तोम शाह वॉलेट का ट्रांसपोर्टेशन की ऊर्जा लगातार आपके सारे शरीर में बहती हुई एक एक सेल मसल्स ब्लड में गहरे 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 उतरती हुई ट्रांसम्यूट ट्रांसफॉर्म करती रिलीज करते जाएं एनर्जीज को बहने दे अपने ऊर्जा क्षेत्र में आर्केंजल माइकल और आर्केंजल मेटाट्रॉन लॉर्ड मेलकिज़ेडेक ग्रिड में प्रवेश करते हुए आपके हृदय चक्र में एक गोल्डन मरकबा रखते हुए और ये कोड उस गोल्डन मरकबा को एक्टिवेट करते हुए स्पिन करते हुए गोल्डन मरकबा स्पिन करता हुआ और उसकी ऊर्जा आपके
5 ट्रिलियन सेल्स 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में आपके एक सिस्टम में आपके एंटायर एनर्जी सिस्टम में प्रवेश करती हुई सेल से कम्युनिकेट करती हुई उन्हें हील करती हुई प्योरीफाई करती हुई एक्सपेंड करती हुई पुरानी एनर्जी को भी रिलीज करता हुआ हृदय चक्र में आर्कएंजल माइकल आर्कएंजल नॉर्मल क्रिस्टाइडिक इस मतलब जस्ट करते हुए आपके ऊर्जा क्षेत्र में एक डीप क्लींजिंग डीप क्लियरिंग डीप हीलिंग डीप प्योरिफिकेशन होती हुई हृदय चक्र और खुलता हुआ और अधिक विजडम आपके ऊर्जा क्षेत्र में सेक्रेट कीज ज्योमेट्रीज फायर लेटर्स ऊर्जा क्षेत्र में जो इस हीलिंग के प्रोसेस को नेक्स्ट 7 days कंटिन्यू रखेंगी अल तकातिति को तोम तकातिति को तोते शिक को तोम अल तकातिति को तो इष्टा इष्टा अल्लाह तक को तोम इन फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करता हुआ और आपके पूरे शरीर में उन फ्रीक्वेंसीज को फैलाता हुआ आपके हृदय चक्र का एक एक्सपेंशन होता हुआ साथ ही साथ आपके चक्रों का आपका एक्सपेंशन होता हुआ स्पिन करता हुआ ये मरकबा आपके हृदय चक्र में कार्बन बेस्ड एनर्जी होती जा रही है एक एक सेल वाइब्रेट करता हुआ गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरता हुआ परमात्मा की कलर परमात्मा की ऊर्जा से भरता हुआ Thank you.
थैंक यू मिक्की जी, बहुत सुंदर, थैंक यू जी, बहुत एनर्जीज थी, थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ एनर्जीज वाज देयर, ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू, अद्भुत एनर्जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर, थैंक यू. तो किसी को कुछ अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? यस सुप्रिया अरोड़ा, यस सुप्रिया अरोड़ा, नमस्ते मैम. हाँ जी, आई एम सॉरी फॉर सम रीजन मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी. थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल वंडरफुल मेडिटेशन. क्या मैं छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ प्लीज अभी का? ठीक करिए जी. मैं बस बताना चाह रही थी कि पता नहीं वाई बट आई हैव सीन नरसिंह भगवान को मैंने देखा अपने पास आते हुए. एंड मैं ना थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ प्रज्ञा मैम, जैसे लिफ्ट में बंद लिफ्ट होती है चारों तरफ से, तो मुझे उसमें घबराहट होती है. मैं इसका रीजन कभी नहीं जान पाई, लेकिन आज मैम जैसे कुछ पास्ट लाइफ हीलिंग करा रहे थे और बोल रहे थे कि सब रिलीज करो, सब ऐसा करने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने देखा कि एक चर्च है वहां पे एक लड़की बैठी है एंड शी इज अ नन, एंड उसके गले में वो क्रॉस वाला लॉकेट डाला है, उसके हाथ में बाइबल दिया है, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन उसको जिंदा ही दफना दिया. और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़े होके बोल रहा है कि दिस इज यू, इसलिए डर लगता है, इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होता है बंद में. एंड मैं देख रही हूँ कि वो लड़की बहुत रो रही है और बोल रही है कि मेरी गलती क्या है, टेल मी, आप मुझे जिंदा क्यों दफना रहे हैं. और वो मुझे इतना क्लियर दिखाई दे रहा था जैसे हम टीवी देखते हैं, ठीक वैसा ही. एंड फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, पर कुछ ऐसा बूम करके मेरे अंदर से निकल के ऊपर चला गया हवा में. एंड उसके बाद फिर और भी हीलिंग्स हो रही थी, जैसे मैम ने मरकबा बोला पिरामिड, तो मेरे जो जो चेस्ट एरिया होता है लेडीज का, जो वो वाला पार्ट होता है, मुझे उस पार्ट में अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे हीट निकल रही है. एंड आई हैव सीन अ ब्लैक मैन, जैसे नीग्रोज होते हैं, ऐसा मैंने एक ब्लैक मैन देखा. उन्होंने कुछ कपड़े नहीं पहने थे बस, और उनकी आई बॉल्स गोल्डन थी, बिल्कुल सोने के रंग जैसी. एंड ही सेड मी कि यू आर बॉर्न टू शाइन, उन्होंने मुझे ऐसे बोला. एंड ही सेड कि इन नो टाइम, बहुत कम समय में, द होल PSSM विल सी योर एनर्जीज, ही सेड. और कोई बुजुर्ग आदमी थे, लंबे वाइट बालों वाले, और बहुत सुंदर, उन्होंने ऐसा रोब पहना था जैसे राजा महाराजा पहनते हैं, और उनके हाथ में जैसे हम पंजाबियों में वो होता है ना प्रज्ञा मैम, वो चौर साहिब करते हैं गुरुद्वारे में, है ना, चौर साहिब करते हैं, चौर साहिब जैसा ही कुछ था, पर वो कोई मार्बल का बना हुआ था, व्हाइट एंड स्काई ब्लूज के ऊपर फ्लावर्स बने हुए थे, ऑर्किड फ्लावर्स जैसे होते हैं, और उससे वो मेरे चारों तरफ जैसे कोई झाड़ा लगाते हैं ऐसे कुछ साफ कर रहे थे. और फिर जब मैंने बोला, मैम ने बोला कि आपको आपको हीलिंग मिल रहा है आपकी 7 बॉडीज को, तो मुझे अपने चारों तरफ 7 रंग दिखाई दिए थे तभी. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू. आज उसको अपने बच्चे को आप रिलीज कर पाए, बहुत सारी बच्चे ही आज, सबसे पहले आज ग्रेड में बच्चा ही आ गया. अच्छा, तो किसी को पता लगा वो किसका बच्चा था? तो मैंने तो सोचा नहीं था कि ये करवाना है, पर बच्चा एकदम से आगे आके खड़ा. अच्छा, किसी का रिलीज हुआ है मुझे लगता है. हाँ, इन्हीं अच्छा. सुप्रिया जी का ही ना हो, जिन्होंने एक बच्ची देखी भी है ना. कौन जो अभी बात कर रही थी, सुप्रिया अरोड़ा की? सुप्रिया थी, हाँ. ये तो इनका पास्ट लाइफ का हुआ था, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम का भी था जो अच्छा. एकदम से आके खड़ा हो गया पहले ग्रेड में, फिर उसी के इट सारी पास्ट लाइफ आज रिलीज होती गई और हील होती गई. वेरी गुड, वाह. तो इसीलिए जो हमारे होता क्या है कि हम बोलते हैं कि एक का एक्सपीरियंस सबका एक्सपीरियंस, तो जो एक का, जो एक देखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं मतलब बंद हूँ, सांस नहीं ले पा रही थी, तो वो क्या होता है कि हमें भी कितने लाइफ टाइम में हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है, तो जब एक का हीलिंग होता है तो सबका हीलिंग साथ में हो जाता है ना. तो ये एक
होता कि एक हील हुआ है, वो ऑलमोस्ट सभी के लिए, सभी के लिए। तो जैसे ही वो बच्चा आया तो उससे रिलेटेड कितनी सारी लाइफ टाइम आनी शुरू हो गई, तो वो लाइफ हील होनी शुरू हो। तो मिक्की जी, जैसे जिसको नहीं दिखा है तो भी उनका हील तो हुआ ही होगा। हाँ, तब मैंने ये बोला ना कि एक का एक्सपीरियंस सभी का एक्सपीरियंस, तो कितने बच्चों की सोल आज रिलीज हुई है, बहुत सारे बच्चों। तो क्योंकि सभी लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कईयों को बहुत पेन, क्योंकि बहुत हैवी था जब हार्ट चक्र में वो शुरू किया, तो कहीं और जा ही नहीं पाए, तो बहुत सारे लोग रो रहे थे, माफ नहीं कर पा रहे थे खुद को कि मेरी वजह से बच्चा चला गया या मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाई, तो स्टक थे बहुत ज्यादा उसकी वजह से, तो आज तो पाए। थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। ये विनोद बालाजी का हैंड रेज है। यस विनोद जी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार सबको। नमस्कार, आज मुझे विजन्स नजर आए। पहले तो ऐसे मतलब प्रकाश लगा, फिर बाद में मून हो गया, फुल मून। फिर एक तोता ग्रीन कलर का, पहले उसकी आंख नजर आई, फिर उसका वो ग्रीन कलर का तोता बन गया। बाद में फिर एक और ब्लू कलर का तोता नजर आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको पहले भी विजन आते हैं? थोड़े बहुत। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत नजर आती है, आज सुरंग तो नहीं नजर आए। की सुरंगें होती हैं। पर आज आपकी बहुत ही अभी भी हीलिंग हो रही है, आपके हारा चक्रा में, स्वादिष्टान चक्रा में अभी भी आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत हीलिंग हो रही है अभी भी आपकी। आप रात को जब सोओगे भी तो भी ये इंटेंशन डालकर सोना कि मैं जो भी हीलिंग मेरी हो रही है मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू मैम। जो पास्ट लाइफ जो भी मुझे रिलीज करना है मेरे आप ड्रीम टाइम में, मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। जब आपको ये इंटेंशन डाल के सोएंगे तो जो जितनी पास्ट लाइफ, क्योंकि एक लाइफ टाइम नहीं आज हील हुई, वो चेन में होती है, एक के पीछे एक, एक के पीछे कितनी सारी, तो वो लगातार वो सब हील होती जाएंगी। तो बहुत सारा लव, अपना हार्ट चक्रा देखना है कि पूरा खुला हुआ है, इसमें बहुत सारी लव एनर्जी है, बहुत सारा हीलिंग जा रहा है, पूरी पास्ट लाइफ में जा रहा है। मैं फ्री हूँ और मैं उन सबको फ्री करती हूँ जिन्हें मैंने अज्ञानतावश अपने साथ अटैच किया हुआ था। तो ये एनर्जी रात को भी फ्लो होती रहेगी, रात में भी टाइम्स हील होती रहेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत मेडिटेशन थी। थैंक यू, थैंक यू। यस, ये नवनीत जी आप बताएं, अपने को अनम्यूट करें और शॉर्ट शॉर्ट में क्वेश्चन लेंगे, बाद में उनकी थोड़ी सी मुझे आध्यात्मिक यात्रा भी हम सबको सुननी है। थैंक यू जी। हां जी, मैं मेडिटेशन में बैठ गई थी लेकिन मैं अपने घर का दरवाजा खोलना भूल गई थी। मेरी बेटी स्कूल से आई है, यहाँ 1:45 हो रहा है, और वो दरवाजे पे खड़े होकर के नॉक कर रही थी लेकिन उसने बेल नहीं बजाई, ऊपर बेटा भी था घर पे। ओके, और मेरे को मतलब अगर मैं ना जाती तो वो बस में बैठ के वापस चली जाती। ओहो, और मेरे को इतना पड़ा और मुझे गुस्सा इतना आ रहा था, आपने फिर बोला जज मत करो, जज मत करो, और वो जा रही थी और मैं यहाँ पर गुस्से में कि तू बेल नहीं बजा सकती थी, बेल बजाती मतलब मुझे मेडिटेशन छोड़ के उठना पड़ा। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ी थी, आपने कहा नहीं जज मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो ये एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा था यहाँ पर, मतलब दिस इज इनफैक्ट जो हम मेडिटेशन कराते हैं तो मास्टर्स एक ग्रिड, एक ऊर्जा का एक पूरा ज्योमेट्री बना देते हैं जो उस दिन के लिए चाहिए। तो जब आपने सोच लिया कि मैंने उसका हिस्सा बनना है, आज मैंने मेडिटेट करना है, तो आप चाहे आंखें खोलें चाहे आप लेट जाएं, आपके ऊपर काम करना मास्टर्स शुरू कर देते हैं।
तो ये हम बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट उसमें हैं तो इतना कुछ मैं मुझे पता चल गया कि आप तक की खबर पहुंची और मैं गुस्से में उनको इनवाइट पा रही थी, तू पागल है तू, ये है तू, आप जज मत कर, जज मत कर उन्हें पता चल रहा था सब तो मैं क्या करती, अगर मतलब एंड में बस वाले ने कॉल किया है मुझे, मैं तब तक पहुंच गई थी, लॉक खोल दिया था मैंने दरवाजा, मैं उठना नहीं चाहती थी मेडिटेशन में, और बेटे को आवाज दी मैंने ऐसी आग बंद करके, तो बेटा भी नहीं सुन रहा है, उसके कान में लगे होंगे ईयर प्लग ऊपर, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो वो भी नहीं उठा तो आप तो कभी इस क्लास में जैसे ऐसे क्लास में होते हैं तो एक इंटेंशन डालकर कि मैं जितने भी एक्टिवेशंस हैं, जितनी हीलिंग है, जितना भी इस क्लास में हो रहा है, मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं, तो मास्टर्स आपके ऊपर काम करते रहेंगे, नो वरी। मैम बहुत ज्यादा काम हो रहा था, इनफैक्ट जब आप बोले कि गोल्डन और घूम रहा है तो पता चल रहा था मुझे, फिर लास्ट में मुझे आर्चेस भी दिखे, यस, तो मैम और यॉर्निंग आ रही थी बहुत, आंख में पानी लास्ट में निकल रहा था अपनी, यॉर्निंग तब रिलीजिंग, आपकी बॉडी से जब रिलीज होता है तो यॉर्निंग होती है। राखी जी। हाँ जी दी मैं हूँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, आज मुझे ऐसा लगा कि जब आपने कहा कि आपके हार्ट चक्र पे काम हो रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेस के सामने एक वैक्यूम आ गया है जो गोल 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 घूम रहा है और मैं उस वैक्यूम के अंदर जा रही हूँ, और लेकिन वो वैक्यूम मुझे अंदर नहीं ले रहा है और मुझे वापस बाहर भेज दे रहा है, और बार बार मैं उस वैक्यूम में जाती हूँ और बार बार वापस आ जाती हूँ। मैम क्या लग रहा था आपको? वैसे मुझे उस वैक्यूम में जाने से डर लग रहा था, लेकिन वो वैक्यूम मुझे अंदर ले जाता था, लेकिन कुछ देर में ही मुझे वापस बाहर भी भेज देता था, और बाहर आज मैंने अपने पास एक छोटा सा उल्लू भी रखा हुआ देखा कि जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो ऑफिस में कर रही हूँ मैम, तो मुझे ऐसा लगा कि एक छोटा सा उल्लू है जो मेरे पास रखा है और उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं जो वो मुझे उस आंखों से देख रहा है। वो आपको विजडम दे रहा था। अच्छा, वो आप में एंकर कर शिकल, बहुत अच्छा मैम। लेकिन ये जो वैक्यूम था और मैं उसमें अंदर जाके बाहर निकल पा रही थी। कभी कभी क्या चीजों को ऊपर से तो बोलते हैं मुझे ध्यान करना है, मास्टर्स की ऊर्जा में रहना है और ग्रो करना है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम बहुत डरते हैं। हाँ जी, बहुत सारे डर आ जाते हैं हमारे, तो रेजिस्टेंस कभी अंदर तो कभी बाहर, सोल अंदर धकेलेगी, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं बेटा आ जा बाहर, तो वो ये धीरे 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 ये रेजिस्टेंस खत्म होती जाएगी और आप उस शून्य का हिस्सा बनते जाओगे। थैंक यू, थैंक यू राज, थैंक यू रविंद्र जी। यस भूमिका जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। आज का मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या क्या रिलीज हुआ। पहले तो जब आप बोल रहे थे ना कि एनर्जी आ रही है, मैंने देखा, महसूस किया एनर्जी, पर आई फेल्ट कि एनर्जी डाइवर्ट भी हो रही है, फिर मैंने सोचा कि मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है क्या, तो मैं भी वहां पर हो रही है, फिर मैंने जब अपने पर वापस आ गई ना, मैंने देखा कि वो डाइवर्टेड एनर्जी इज कमिंग बैक टू मी, बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद मेरे को थोड़ा सा शिवरिंग हो रहा था एंड आंखें भर आई, आई सॉ अ स्मॉल गर्ल ऑल्सो, फिर एक लेडी देखा साड़ी में थे और उनके हाथ में एक बुक था, तो बुक खुला हुआ था पर आई कुड सी ओनली द बैक साइड ऑफ द बुक, जिसमें एक साइड कवर चढ़ा हुआ है, दूसरे साइड कवर नहीं चढ़ा हुआ है, तो मैंने बोला मेरे को मैसेज दीजिए, तो वो कवर निकल गया और जो बुक पे जो प्रिंट था ना बहुत ही बड़ा था, और जो पेजेस थे खाली पेजेस थे एक साइड, तो उसपे कुछ मैं सोची कि देखा जाए, तो फिर मेरे सामने पेन आ गया, मतलब आई डोंट नो पेन था कुछ, तो लिखना चालू हो गया, तो मैंने बोला मैं लिख रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं लिख रही हूँ तो कुछ अच्छा ही लिखूं, तो मैंने बोला स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए,
हैप्पीनेस हो जाए, अबंडेंस हो जाए, ऐसे लिख रही थी। आगे बढ़ती गई देन आई सॉ व्हाइट मेटल, जैसे मतलब अभी हम ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो वो रेड कलर की ट्रे में, वेलवेट रेड वेलवेट की ट्रे में हमको कुछ दिखाते हैं ज्वेलरी शॉप में, तो व्हाइट मेटल था, अच्छा सा पतला पतला लंबा लंबा। और फिर ऐसा लगा था वो मेरे अंदर जा रहा है वो व्हाइट मेटल, मतलब इधर आई कुड फील मेरे को हेवीनेस लग रहा है। फिर ठीक है, और आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए, वापस पता नहीं रोना आ गया। फिर ठीक है, जब आपने बोला ना कि अच्छा हो गया सब माफ कर दो, एनर्जी आ रहा है, वायलेट लाइट है, आई कुड फील ऑल दैट, बहुत अच्छा था वो सब, मतलब वो सब करने के बाद ऐसे हाँ रिलैक्सेशन, पहले कुछ चल रहा था, ये सब आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुई, अच्छा लगा, आगे बढ़ते गए। फिर पता नहीं फिर कहीं चले गए, फिर बाद में एंड में लास्ट के 5 मिनट्स में तो पता नहीं आपने क्या बोला, पर हाँ थैंक यू, अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भूमिका, थैंक यू। यस रामेश्वरी जी, मैं हेलो, हाँ बोलिए अनिता जी, आप बोलिए। आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन शॉर्ट मैम, मेरे को विजन तो नहीं होते हैं, मेरे को सपने में ही होते हैं, ध्यान में बैठने से नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी हाँ सूरज दिख जाता है, लाइट दिख जाती है, एक अंदर लाइट चली जाती है मैम। लेकिन मेरे को अभी 6-8 महीनों का मैम, इधर बहुत भारी लगता है मेरे को, बस इतनी जगह गर्म भी रहेगा और इधर से कुछ ठंडा ठंडा आके इधर लगता रहेगा मेरे को, वो मेरे इतना भारी हो जाए, मेरी गर्दन ऐसी हो जाती है, इतना भारी हो जाए, मतलब अंदर ही अंदर कुछ रहता है जो इस तरफ भी घूमेगा इस तरफ भी घूमेगा, तो उस मेरे को कुछ ऐसे तकलीफ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे अभी भी मेरा पूरा जो इतना गर्म सा हो रहा है, पसीना सा आ रहा मेरे को, और ये इधर तो अभी चालू हो गए, तो मैं बात भी करूँ स्पिरिचुअल की तो मेरा कुछ शुरू हो जाता है यहाँ, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो भी शुरू हो जाएगा यहाँ। आपको ना ग्राउंडिंग करना है, जो एनर्जी आ रही है वो ऊपर वाले चक्रास में रह जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे हार्ट से नीचे, नीचे पैरों की सोल से नीचे, सेंटर ऑफ द मदर अर्थ तक लेके जानी है, ठीक है। जो भी एनर्जी ऊपर से आ रही है यू नीड टू ग्राउंड इट, और जब भी आपका सिर भारी हो, जब आप थोड़ा सा चलेंगे तो वो ग्राउंड हो जाएगी, लेकिन आपने देखना है कि आपके जो एनर्जी ऊपर है, क्योंकि ऊपर के चक्रा में है, जबकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं मैक्सिमम उनके ऊपर चक्रा खुल जाते हैं, लेकिन नीचे चक्रा वो बंद रह जाते हैं, इसीलिए अबंडेंस नहीं है, रिश्तों की प्रॉब्लम एंड वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, तो ऐसी बहुत सारी जो हमारी जो अर्थ प्लेन में रहने के लिए जो चीजें चाहिए वो मैनिफेस्ट नहीं होती, हायर चक्र ऊपर हो जाते हैं, तो उन सभी एनर्जीज को नीचे लाके जब भी आप बैठते हो तो सबसे पहले इंटेंशन दिया करो कि जो भी ऊर्जा आती जा रही है लगातार आपके सारे चक्र से होते हुए, लातों से होते हुए, पैरों की सोल से होते हुए नीचे सेंटर ऑफ मदर अर्थ तक जा रही है, तो टोटल ग्राउंडेड है, बोलकर सोया कीजिए ऐसा, तो ये जो एनर्जी आती है उसकी वजह से हेड हैवी हो जाता है, ठीक है। ग्राउंडिंग ही नहीं हो रही, और इससे भी ज्यादा आप अपने टेल बोन से एक कॉपर कलर की कॉर्ड, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आप देखो आपके टेल बोन से कॉपर कलर की कॉर्ड नीचे जा रही है बिल्कुल सेंटर ऑफ मदर अर्थ तक, और एक्सेस एनर्जी सब ग्राउंड हो रही है, टोटल ग्राउंडेड है, टोटल सेफ, पर आप फादर और मदर दोनों एनर्जी से कनेक्टेड है, अकेले फादर एनर्जी से कनेक्ट नहीं होना, मदर एनर्जी से भी कनेक्ट होना है, ताकि आप प्लेनेट अर्थ पे भी रहे, और नहीं तो आप बार बार बॉडी से बाहर होते जाओगे तो वो सही नहीं होता, तो ऐसे आप ग्राउंडेड भी रहोगे कॉपर कोर्ड से। लेकिन मैम कभी कभी तो पूरा ठंडा एकदम ठंडी लगेगी शरीर के अंदर, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रही है ठंडा मीन्स हीलिंग हो रही है आपके अंदर, वो लाइट जा रही है तो कर रही है ना, वो हीलिंग करती है तो ठंडा होता है, ठीक है ना। और जब मैं महामृत्युंजय का जाप करती हूँ तब तो पसीना आता है मेरे को अंदर से, तब अका कभी कभी बॉडी बहुत ठंडी, वो भी रिलीजिंग का साइन है, हीलिंग का साइन है, हीट कभी कभी कुछ जलाना होता है अंदर, तो उसके लिए जो भी चाहिए वो हीट आ जाएगा,
है ना, एवरीथिंग। यस थैंक यू विनीता जी, थैंक यू। यस सरला जी नमस्कार। मुझे तो ये बताना था कि बहुत हैवीनेस हुई है आज मुझे, जैसे कि शायद फर्स्ट टाइम इतना मुझे डीप भी लगा, और साथ साथ मेरा जो बैक ऑफ हेड है वो अभी भी मतलब इतना जैसे परेशान सा है, जैसे एकदम आराम होना चाहिए था वो आराम नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप रिलीज नहीं कर पाए। बहुत सारा क्या होता है कि हम ध्यान में बैठ जाते हैं, ठीक है, पर करना क्या है, कहते हैं कि जहां हमारी इंटेंशन जाती है वहां एनर्जी फ्लो करती है। हम बैठ गए, लेकिन अब मैंने इंटेंशन जब जो डाली, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो जब मैंने बच्चा देखा, तो जब मैंने उस बच्चे को मदर से रिलीज करवाया, तो उसके बाद बहुत सारी सोल्स और जिनके साथ अब कुछ लोग माफ नहीं कर पा रहे थे, अब हम बोल देते हैं कि माफ कर दो, लेकिन इस लाइफ टाइम में जिसका बच्चा यंग बच्चा गया हो, एक्सेप्टेंस इतनी जल्दी नहीं आती कि मेरा बच्चा चला गया और आप कहते हो माफ कर दो। तो जो अभी हम किसी का बच्चा गया और वो माफ नहीं कर पा रहा और वो बच्चा रुका पड़ा है, तो कितना पेन उसकी लाइफ में होगा, आप जो मर्जी समझा लो उसे ना, जब तक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो फिर मैंने पास्ट लाइफ में ले जाना शुरू किया, तो बहुत सारे सोल उसी तरह वहीं पर रुके हुए थे जैसे वो मदर आज उस बच्चे के साथ रुक गई थी, बच्चा चला गया है ना, वो इतना सा बच्चा था, उसकी वजह से माँ जब उसकी डेथ हुई, माँ भी रुक गई, बच्चा भी रुक गया ना। और अब आप सब लोग जब पास्ट लाइफ में अपने बच्चों को, हम पास्ट लाइफ बोल रहे हैं बट देयर इज नो पास्ट लाइफ, तो इतनी रेजिस्टेंस थी, वो बच्चे को नहीं छोड़ पा रहे थे, है ना। मास्टर्स आपको सिखा रहे हैं कि देखो आप भी रुक गए, ये बच्चा भी रुक गया, कभी बच्चा आपको हक कर रहा है, कभी आप बच्चे को हक कर रहे हो, तो जाने नहीं दे रहे। तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जैसे अब ये काम होता जाएगा, ये मरकबा आता जाएगा, और आप धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू होगा कि नहीं मुझे तो आगे बढ़ना है, जो बीत गया सो बीत गया। तो कितने लोग हैं समझा पाते और कितने लोग अभी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जब अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी तो ये हैप्पीनेस, बहुत सारी सैडनेस ग्रीफ हार्ट जमे पड़े थे, फ्रोजन तो बोलते हैं, फ्रोजन टोटल हार्ट चक्रा टोटल जमे पड़े थे इन एनर्जीज की वजह से। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इतनी फ्रिजिडिटी क्यों? हम बोलते ओपन योर हार्ट, तो किसी का हार्ट ही नहीं खुल रहा, ऐसा दरवाजा बंद हुआ हुआ है। जब तक आपका हार्ट नहीं खुलेगा तो वो विजडम वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सब लोग क्राउन से बात करते हैं, लेकिन हम जो लाइट वर्कर हैं वो हार्ट से ज्यादा फोकस करते हैं, हार्ट खोलना है ना। विजडम तो आज जब आप में लव और कंपैशन होगा वो भी ऊपर खुल जाएगा, तो मेन फोकस हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट दरवाजे बंद है क्यों? इन एनर्जीज की वजह से। तो इतनी टाइटनेस, इतनी रेजिस्टेंस, नहीं छोड़ ना पे। तो जैसे जैसे हम छोड़ते जाएंगे, गोल्डन लाइट फैलती जाएगी, एक्सेप्टेंस आती जाएगी, तो ये टाइटनेस ये सब कुछ जाती रहेगी। और जो आज आपने रिलीज किया वो एक लाइफ टाइम का नहीं, क्या एक के बाद पता कितने पीछे, और जहां आप रुक गए नहीं ये नहीं छोड़ना, फिर टाइटनेस फिर पेन, है ना। तो आपने उस वक्त आपको और लाइट अपने अंदर, मैंने ये हैवीनेस छोड़नी है, मैं इस हैवीनेस को अपने एनर्जी सिस्टम में नहीं रख सकती, मुझे लाइट। और देखो ना मदर का रैप कैसे उन्होंने आपको किया हुआ कि ताकि आप छोड़ सको ना। तो मुझे फिर क्या करना होगा? मोर लाइट जैसे बार बार, और वो मदर को रैप कि मैं इस हैवी एनर्जी को छोड़ना है, और जो पास्ट लाइफ में जिस इनकार्नेशन में मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ गए, या मैं भी, आप अपने आप को भी देखो ना, आप भी एक छोटे बच्चे होंगे माँ बाप से, तो वो पेन दोनों ही तरफ होता है, जो तो ये वो तरफ की लाइफ टाइम हील हुई है, एक तो वो बच्चा जिनके मदर फादर और वो बच्चा मर गया, और वो बच्चा जो माँ बाप को छोटी उम्र में ही छोड़ के जा रहा है, वो माँ बाप को पेन में देख रहा है, दोनों ही फंसे हुए हैं, वो ऊपर नहीं जा पा रहा, वो माँ बाप का पेन, उसको तो एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब बंदा डेथ का टाइम लिखवा के लाया, उसका वो उसी टाइम पीरियड पे आया था, लेकिन माँ का प्यार कितना होता है बच्चे को, आप खुद देखो क्या इतनी समझ आई है अभी हमें कि जिसने जाना है उसे हमें जाने देना है, ना उसको बांधना है ना खुद को बांधना है। तो ये विजडम लेकर आनी है आपको। थैंक यू सो मच।
अपना हृदय चक्र खोलने के लिए तैयार हूँ. मैं अपने हृदय चक्र खोलने के लिए तैयार हूँ. आपका हार्ट एक्सपेंड ही नहीं होगा, आप जितनी एनर्जी वर्क कर लीजिए वो ग्रोथ. तो ये कैसे करेगा, हार्ट कैसे खोलेगा, इतना ग्रीफ, इतनी हैवी, इतनी सैडनेस इसमें, इतना कुछ, तो हार्ट तो बंद रहेगा ना. जितना हैवी हार्ट होगा उतनी बोंटी हुई आपकी डेंस नीचे प्रिंस में जितना मर्जी आप, तो फिर वो चीज नहीं होगी. हार्ट खुलना बहुत जरूरी है ना. अंजू कौन है इसमें, कोई अंजू भी है? थैंक यू रविंद्र जी. हाँ जी, अंजू भी है कोई इसमें? अंजू पूछे आपने? हाँ हाँ कोई है. हाँ अंजू तो दो है वैसे यहाँ पर. आज एक से तो मैं मिली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया. okay. दो अंजू तो है. अंजू खुराना जी है. हाँ अंजू खुराना है ना. हेलो संजू जी. हाँ बोलिए बोलिए. आपको कुछ फील हुआ आज? मुझे ऐसे अंदर जाते हुए कुछ लगा कि मुझे अंदर जैसे कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है, ऐसा हुआ, वाइब्रेशन सी हुई. बहुत पेन रिलीज हो रहा था क्योंकि आपका आगे आ रहा था, आपका हरा चक्र अभी भी बहुत पेन में है, हार्ट में बहुत पेन है. नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है. हाँ आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीजिंग हो रही थी. अच्छा झटका, मुझे एक झटका सा लगा था, कैसे झटका लगा था. आज तो बहुत पेन आपके गले में भी अभी तो. आप लाइन के अंदर आज जितना ध्यान में बैठे तैयार. आपके आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही, बताइए. लैग आ रहा है थोड़ा सा, उसमें लैग आ रहा है आवाज में. तो आपको बार बार लाइट को कॉल करना है अपने हार्ट और आपके हारा चक्र में बार बार. अच्छा ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है. थैंक यू. आज का जो मेडिटेशन था बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए. जो आज मैंने फील करा है ना, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल गया सबकी बातों से, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. जब मैंने आज अपनी आईज क्लोज करी आपका फेस देख के, तो मुझे मेरी बॉडी में इतनी मतलब बेचैनी या पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, इतनी बेचैनी थी कि 10 मिनट के बाद ही ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं आंखें खोल दूं. और जब आपने बोला ना गोल्डन लाइट, तो मैंने दो बार अपनी आंखें खोली तो मुझे अपने रूम में ऐसा लग रहा था कोई, जैसे बारिश के टाइम में बिजली कड़कती है ना, और वो लाइट इतनी तेजी से मेरे पास आई और मैंने दोबारा से आंखें बंद कर ली. ये मेरे साथ दो बार हुआ और मैं इतनी बेचैन रही पूरे मेडिटेशन में. मैं एक मिनट लेटी भी और लेट के पता नहीं कैसे सडली अपने आप खुद दोबारा से बैठ गई. अब ये मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है मेरे साथ. जब हमारे बहुत की एनर्जी इकट्ठी थी और एकदम से इतनी लाइट आ जाएगी तो बॉडी बहुत रेजिस्ट करती है. अच्छा. वो देखने की, उस एनर्जी को हैंडल करने की, और सबसे जैसे कि इतनी पुरानी चीजें जो अपने अपने अंदर रखी होती हैं, सूट भी जो पुराना देके राजी नहीं होते, कोई देके अपने अंदर वो हलचल मचा देते हैं क्योंकि हमें वो चीजें छोड़नी है और बॉडी कहते कि नहीं छोड़नी. और लाइट आ गई है तो उसको जाना है, पुरानी चीजों को जाना है. और करती है नहीं 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 नहीं, तो अंदर हलचल मच जाती है वो. इतनी मेडिटेशन कर लिया ना मैंने मैम, तो बिल्कुल शांत हो गई मैं, बिल्कुल शांत. मतलब जैसे लगता है कि एक समुद्र के अंदर बहुत जोर जोर से लहरों में हम घूम रहे हैं और वो एकदम से सडनली बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने आईज खोली और आंखों पे हाथ रखा ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये पूरा मुझे फील हुआ है. मैं लेटी और फिर उठ के बैठ गई, इतनी सारी लाइट्स आई, मैंने आंख इतनी रोशनी में अपने आप ऑटोमेटिक मेरी आंख बंद हो गई थी. नमस्ते मैम. नमस्ते प्रज्ञा मैम. हाँ जी नमस्ते.
मैम जो आपने बच्चा कहा, तो एक्चुअली मैम मुझे कुछ दिन पहले ऐसे एक एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने देखा है, वो पता नहीं एस्ट्रल ट्रेवल था, ड्रीम था, मैंने देखा कि एक बच्चा बेड पे है और एक ओल्ड मैन है, शायद उसको हील कर रहा है, उसको कुछ हुआ है, और उसके बाद वो कुछ बोल नहीं सकता है बच्चा, लेकिन वो ओल्ड मैन जो है मेरे तरफ देख के बोल रहा है, पता नहीं ये तुम्हारे वजह से हुआ, ऐसे कहा। तो उस वक्त तो मुझे ऐसे कुछ समझा नहीं कि माफी मांगने का, लेकिन आज जो आपने करवाया उससे मुझे थोड़ा हल्कापन तो लग रहा है। मैम आप स्पॉटलाइट में नहीं है, वो किसी और का आ रहा है शायद। मेरा? हाँ हाँ अभी आया। तो मैम वो आज मुझे अभी हल्कापन लग रहा है, लेकिन आज जब किया मेडिटेशन तो ऐसे यहाँ से ऐसे गर्म भाप ऐसे निकल रही है, अभी भी हो रहा है, और मेरे ये सारा हिस्सा जो है ऐसे उड़ने जैसा हो रहा है। बहुत सारी पास्ट लाइफ की एनर्जी रिलीज हुई आज, बहुत सारे। तो जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो पहला स्टेप कि जब आप लाइट कॉल कर रहे हो तो आई एम रेडी टू रिसीव द हाईएस्ट लाइट, पहला इंटेंशन। सेकेंड के मैं हीलिंग लेने के लिए भी तैयार हूँ और हील होने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जब लाइट आती है और हमारे अंदर हीलिंग शुरू होती है तो हमारे सेल से ही बोलते नहीं, हम ऊपर से बोल रहे हैं मैंने हील होना है, अंदर से सेल कहते नहीं, ऊपर से हम कह रहे थे मुझे माफ करना है और अंदर से सेल कहते तू कौन होती है माफ करने वाली, नहीं करना माफ, इतना पेन दिया है कैसे माफ कर दूं। फिजिकल बॉडी और इमोशनल और मेंटल बॉडी में एक लड़ाई चल पड़ती है, लेकिन आपको क्या करना है, हमने फॉरगिवनेस पे तो जाना है एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है उसने जो कुछ भी किया वो जो कुछ दिख रहा है, तो यही चीज अब हमें पास्ट लाइफ तो नहीं दिख रही हर वक्त, लेकिन जब हम इंटेंशन के साथ बैठते हैं वर्ड बहुत मैटर करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ऐसा पास्ट लाइफ है, मैंने ऐसा कुछ भी किया है जिसकी वजह से मुझे पेन हुआ या मेरी वजह से किसी और को पेन हुआ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ, खुद को माफ करती हूँ और उनको भी माफ करती हूँ, क्योंकि खुद को नहीं किया वो गिल्ट और शेम की एनर्जी अंदर रह जाएगी। तो जब ये इंटेंशन देके हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हीलिंग और ज्यादा प्रोफाउंड लेवल पे होती है। ओके ओके थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। यस रेखा जी, रेखा गगर। नमस्ते मैम। हां जी नमस्ते। मैं ये बोल रही थी कि ना मेरे जैसे जेटीटीपी का किया ना मैंने कोर्स, हायर एनर्जी का भी किया था, मतलब 6 मंथ पहले, तो मेरा फियर इतना रिलीज होता था कि मैं बहुत ऐसे घबराती थी और हार्ट में भी ऐसा हैवी लगता था मुझे, और दिन भर मुझे नेगेटिविटी आती थी कि किसी को कुछ हो जाएगा ये वो, तो मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं बहुत डरती थी। और उन दिनों क्या कि मेरे पैरों में, जैसे मेरे 3 साल पहले एक लेग में, मतलब राइट वाला लेग जो है उसमें लिगामेंट टियर हो गया था, तो 2 साल पहले मेरी सर्जरी हुई है और एक ही पैर पे वेट डालने की वजह से वो दूसरा पोलियो ले गए, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है अभी। तो पहले जब मैं 3-3 घंटे मेडिटेशन करती थी तो मुझे ड्रीम्स भी अच्छे आते थे, जैसे बहुत पानी भरा हुआ है, बच्चे दिखते थे, ऐसे बहुत अच्छे आते थे। और अभी इन दिनों फिर डर के मारे में, मतलब मैंने कम कर दिया मेडिटेशन, मैं बहुत डरने लगी थी क्योंकि फियर बहुत रह रहा था मुझे, तो मैंने मेडिटेशन कम कर दिया। तो अभी मुझे जैसे कभी मेहंदी के, कभी शादी के, और कभी ऐसे कोयले दिखना, ये सब ड्रीम्स में आते हैं। और मैं जैसे आज पता नहीं कैसे मेरी हिम्मत हो गई बात करने की, बाकी मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूँ, किसी से मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो शेयर भी कर, तो डर से क्या होता है, बेसिकली डर से क्या होता है, क्या होता है डर से? और अभी भी मेरा जो पोलियो लेग है ना, उसमें अभी भी वाइब्रेशन ऐसे हिल रहा है जैसे पूरा लेग। इनफैक्ट डर क्या करता है, जब हम बोलते हैं डर, मैं डर गई, या मुझे इस चीज से डर लगता है, या किसी भी कोई भी रीजन है, तो जैसे आपने तार देखी है जिसमें बहुत सारा करंट आ जाए वो तार मेल्ट हो जाती है ना, तो डर आया, जैसे आपका डर का वेव आया और वो तार आपके अंदर की वेल आपके उस तरह जल गई, ठीक है। अब आपने तो नहीं देखा, फिजिकल लेवल को तो नहीं पता, आपने बोला डर, थोड़ी 5-7 मिनट आप डरे, कुछ आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, लेकिन उस डर ने आपके एनर्जी फील्ड में क्या एनर्जी बना दी, वो इलेक्ट्रिक सर्किट था, फ्यूज हो गया, जल गया, मेल्ट हो गया, जितना ज्यादा शॉक उतना ज्यादा अंदर की वायरिंग खत्म, ठीक है। अब वो वायरिंग आपके अंदर है, अब दूसरी बार फिर मेरे को डर लगा, ओ
ओके, फिर डर लगा, एक और सर्किट, एक अंदर और, अब वो दो तारे जुड़ गए, ठीक है, एक पहली जुड़ी हुई थी, दूसरी भी जुड़ गई। इस तरह करते करते हजारों लाखों, क्योंकि हमारा एनर्जी फील्ड जितना बहुत विशाल है, जितना यहाँ पे दिखते हैं हम 5 फुट 6 फुट के नहीं है, हजारों फीट लंबे चौड़े हमारा एनर्जी फील्ड है। अब वो सारे शॉर्ट सर्किट जड़ते गए, आपस में जुड़ते गए, अब इतना डैमेज हमारे अंदर, जितनी बार हमने बोला फियर, जितनी बार हमने उसको एक्सपीरियंस किया, उतनी बार ये क्यों डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम डर रहे हैं जी, चलो जी सिंपल डर है। अब डर के क्या कर रहे हैं, अब अंदर क्या हो रहा है, वी डोंट नो। तो अब जब अंदर हमारा एनर्जी फील इतना हो गया, वो किसी सीटी स्कैन में नहीं आएगा, किसी एमआरआई में नहीं आएगा, हम तो डर रहे हैं जी, किस चीज से डर रहे हैं बोलो। तो अगर मैं बोलूंगी किस चीज से डर रहे हैं मैम, जैसे आपने बोला ना कि किसी की डेथ हो गई हो, तो जैसे मेरे मम्मी पापा, मतलब मम्मी की, पापा की डेथ में जब 20 इयर्स की थी तभी हो गई थी, और मम्मी के भी 3 इयर्स पहले हो गई थी, तो वो डर भी मेरे अंदर है। किस चीज का, उनका डेथ हो गई इस चीज का कि आपकी डेथ हो जाए इस चीज का, किस नहीं, चीज़? मेरा नहीं, जैसे घर में जैसे हस्बैंड है बच्चे, तो कभी ये छोड़ के नहीं चले जाए, कभी वो डर है मुझे, मेरा डर नहीं है। सुनिए, जो चीज जिस चीज से हम डरते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, कैसे, मेरी मदर की, नहीं नहीं, मेरी मदर की डेथ भी 22 में हुई, फादर की डेथ जब मैं 22-23 इयर्स की थी, डेथ हो गई, तब मेरे भाई छोटे थे, उसके बाद मदर की डेथ हुई, मेरी सिस्टर की डेथ हुई, तो उस वक्त हम भी ऐसे थे जैसे आप बात कर रहे हैं, फलाने की ना डेथ हो जाए, तो आई वॉज क्या क्रिएट कर रही थी, जिनको मैं बड़ा सोचती थी कि इसकी डेथ ना हो जाए, मैं सोचती थी मैंने बड़ा भूमिका निभा ली, अब मैं तो बहुत ही बड़ी हूँ, देखो जी मैं इनकी डेथ नहीं चाहती, कर क्या रही थी, डर क्रिएट कर रही थी, मैं उनके लिए वो मैनिफेस्ट कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी, अंदर मैं, मेरी सर्किट सारे जले हुए थे, बार बार मैंने वो डर की एनर्जी क्रिएट की, अंदर तो मेरे कोई मैं है ही नहीं, अंदर मैं क्या क्रिएट कर सकती हूँ, क्या अपने अंदर को, अपनी एनर्जी सिस्टम को बर्न कर करके अब मैं दूसरों के एनर्जी सिस्टम को भी बर्न कर रही थी, उनको भी फियर दे रही थी अपना, ये लो प्रसाद, जैसे प्रसाद मिल रहा था तो प्रसाद के रूप में मैं उनको, उनका एनर्जी सिस्टम भी खराब कर रही थी, है ना। तो पहले तो हमने डेथ का हुआ बनाया कि ये डेथ हुई और चला गया, नो डाउट सबको लगता है डर, डेथ से सबको डर लगता है, लेकिन डेथ जब समझ में आने लग जाएगी, और उसके बाद जब हमने डरना बंद कर दिया, फिर वो इलेक्ट्रिक फायर जो हमारी फ्यूज हुए उनको ठीक करना शुरू किया, जब वो ठीक हुए तो उसमें करंट पास होना शुरू हुआ दोबारा से, जब करंट पास शुरू होना तो लाइट जलनी शुरू हुई, उस लाइट से डिवाइन विजडम आई, उस विजडम से मैं क्रिएट कर सकती हूँ दूसरे की लाइफ जो मैं क्रिएट करना चाह रही थी, ठीक है। और आपने बोला कि मैं बात नहीं कर सकती थी, तो मैं जितना मैं डरती थी बोलने में, मैं 8-10 लोगों के बीच में भी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, मैं भाग जाती थी, जबकि मैंने मेडिटेशन जब शुरू भी करवा दी थी तो मेरे को कोई बोलते थे कि मेरे को सेंटर में नहीं रखना, मेरे को फोकस नहीं करना बिल्कुल भी, सेंटर में बैठूंगी, एक अलग चेयर नहीं चाहिए मुझे, तो और पब्लिक स्पीकिंग मैं कर ही नहीं सकती थी, अटक जाती थी, अभी भी कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ, तो इट्स ओके। बहुत थ्रोट चक्रा पे काम किया, हजारों जन्मों में हजारों बार गले काटे, कितने रिपेयर किए सेल, कितना डीएनए रिपेयर किया, ये एक जन्म काम थोड़ी है, हजारों जन्मों का काम है, लेकिन अपने आप को एक्नॉलेज करना, उसको सेलिब्रेट नहीं करना, ओके जी मैं तो डरती हूँ जी, 6 महीने पहले मैं डरती थी, 6 महीने की डरती थी, नो, जो डर आ रहा है उसको फेस करना, ओके भाई तू डर है, तू क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे डर हो, तुम मेरे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम्हें ठीक करना है, जो सर्किट मैंने अपने अंदर खराब किए करने का टाइम आ गया, तो आई विल फेस माई फियर, मैं देखूंगी क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते तो तुम में कोई पावर नहीं है, मुझे वो पावर लेकर आनी है कि मैं इस फियर से लड़, और जो मैं असल में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मैं वो मैनिफेस्ट कर सकूं, ना कि डर है ना, क्या एनर्जी दे रही है, इसको कुछ ना हो जाए, तो मैं इसको क्या बोल रही हूँ, कुछ ना, ना नेगेटिव ही दे रही हूँ उसको, हर वक्त पॉजिटिव तो जा ही नहीं रहा, है ना, तो जो चला गया है वो एक अंडरस्टैंडिंग। अब हम जो जिस, अभी आप देखो, अब हम जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल पे अर्थ वाइब्रेट कर रही है, पहले वो आपकी बॉडी कार्बन बेस थी, अभी भी कार्बन बेस है, ट्रांसफर हो रही है, हमारी बॉडी कार्बन बेस बॉडी है,
कार्बन बेस से हम क्रिस्टलाइन बॉडी में कन्वर्ट हो रहे हैं, समझ आ रही है आपकी? ये बोलती ना 3D डायमेंशन की है, 3D की नहीं, अब हम 5D में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 3D जो बॉडी थी वो कार्बन बेस्ड बॉडी थी, वो अपना कर्मा लेकर आई थी और डेंसिटी इतनी थी, इतना धुआं था कि उनको आगे दिखता ही नहीं था। आप 5D फ्रिक्वेंसी में जा रहे हो, आप अपनी कार्बन बेस्ड बॉडी को क्रिस्टलाइन बॉडी में कन्वर्ट करोगे, तो क्रिस्टलाइन के पास कितनी पावर है मैनिफेस्ट की, आपको तो सोच और समझ से भी परे की चीज हो जाएगी। इतनी पावर आ जाएगी आपके वर्ड्स में कि आप खुद हैरान होगे। तो हमारी अर्थ जा रही है 5D में, बॉडी अभी 3D में है, तो वो दोनों की एक फाइट है। सोल कहती है 3D छोड़, 5 में आ जा भाई, और वो बॉडी एंजॉय करती है अपने सारे गम, अपनी सारी तकलीफें, और सोल कहते कि अर्थ शाइन कर रही है, निकलो बाहर देखो, है ना। तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे अंदर। बाहर से हम बोलते हैं ध्यान करना है, बाहर से बोलते हैं फियर छोड़ना है, बाहर से कहते हैं माफ करना है, बाहर से कहते हैं नो जजमेंट, अंदर से वो सब कुछ चलता रहता है। तो ये बार बार सुनकर, जब आप बार बार क्लासेस लगाते हैं, बार बार हम ये कोड देते हैं, बार बार आपकी वो होते ना सुनार ठोक 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 करता है, तो वो सेल्स अवेकन होंगे। तो मेडिटेशन कीजिए, सुनिए, और हमारे टॉक शो होते हैं जिसमें हम बहुत बताते हैं फॉरगिवनेस के ऊपर, कैसे अपनी लाइफ को, कैसे कार्बन बेस्ड बॉडी को क्रिस्टलाइन बॉडी में कन्वर्ट करना है डेली। कैसे मिलेंगे हम लोग को? जैसे मेरे को अभी ना, जैसे मैं अभी वॉकर से चल रही हूँ, 3 साल से वॉकर पे ही हूँ मैं। तो जैसे मेरे को हीलिंग भी करवानी है, नी की वो रिप्लेसमेंट, मतलब नी का मेरा लिगामेंट टियर हुआ था तो उसका सर्जरी हुआ, और दूसरे नी में भी प्रॉब्लम हो रही है अभी मुझे। तो जैसे मेरे को करवाना है हीलिंग का, तो फिर कैसे क्या करें? हाँ, एक तो हीलिंग मेरा स्पाइन और पूरा नीज का एक ट्रांसमिशन है यूट्यूब पर, ठीक है, उसका पहले सुनना। आपको फ्री ट्रांसमिशन है यूट्यूब के ऊपर, वो लिंक शेयर कर देंगे, उनमें पूरी स्पाइन का पूरा स्केलेटन सिस्टम का हीलिंग का उसमें वो है। और दूसरा, एक क्लास हमारी कल शुरू हो रही है जिसमें जो कोई है, क्योंकि वो पेड क्लासेस है, तो उसमें फियर, पहला जो पूरे 15 दिन है हमने फियर की एनर्जी पे और अबंडेंस की एनर्जी पे काम करना है। कि लोग अबंडेंस की क्लासे करा देते हैं, लेकिन जिस वजह से आप रुके पड़े हो, हजारों तरह के फियर्स आपके एनर्जी फील्ड में, किसी ना किसी कारण, वो इस लाइफ टाइम से नहीं आए, कितनी लाइफ टाइम से आए हैं, तो उन फियर्स के ऊपर काम करके। और आप जैसे कहते हैं कि मैं चल नहीं पाती, चलना क्या मतलब, चलते हुए भी डरते हो, रेजिस्टेंस है ना चलने में, ग्रो करने में, उड़ने में, तो हमारी हमारा साथ नहीं दे पा रही, तो मूवमेंट रुक गई है ना। तो इन सब चीजों से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि आप ध्यान में आ गए हो। तो ध्यान वाले जो लोग में आते हैं, आम सोल तो नहीं है। तो आज एक बड़ा, जब आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, जब मैंने आज क्लास शुरू की, तो इस क्लास के लिए, क्योंकि कल 12 ग्रेट सेंट्रल सन की एनर्जी फर्स्ट टाइम में पहली बार एंकर हुई है, तो हम 12 लोगों ने, जो हम सोल्स फील 12 ग्रेट सेंट्रल सन की एनर्जी एंकर की है मदर अर्थ में फर्स्ट टाइम, तो कितना पावरफुल टाइम था, और आज कितना पावरफुल डे है। तो आप जितनी भी सोल्स, यहाँ पे कोई आम सोल्स तो हो नहीं, तो बहुत सारा काम करके आए हो, और बहुत सारा काम करना है, तो बढ़ना है, और आपकी लेग्स बीच में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो YouTube में जाकर, उसमें एक फ्री ट्रांसमिशन है, वो भी आप सुनिए, और आगे जो भी आपको गाइडेंस आती है, अगर आपको क्लासेस की गाइडेंस आती है तो क्लासेस की गाइडेंस लीजिए, मेडिटेशन की गाइडेंस आती है, हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करें, किसी की बात को नहीं। और आपको बहुत अच्छा गाइड करती है ना, तो गो फॉर द विद द गाइडेंस। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, मैं इतना पूछना चाह रही थी कि इमोशनल, जैसे कि अगर कुछ भी, अगर हम ऐसा पढ़ते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इमोशनल होता है,
तो जैसे अगर टीवी भी देख रहे हैं या कुछ ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम लोग साथ साथ इतना ज्यादा इमोशनल, मतलब मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा है, तो क्या ये चीज सही है? आपकी इमोशनल बॉडी बहुत वीक है, ठीक है, आप रेजोनेट करने लग पड़ते हो उस इंसिडेंट के साथ जो टीवी में हो रहा है। अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में है तो एक बहुत अच्छा भी है कि मैं रेजोनेट कर रही हूँ, ओके, उस लाइफ टाइम में एक मदर एक बच्चे को मार रही है, अपने बच्चे को या किसी के, या किसी का बच्चा चोरी कर रही है, और मैं बहुत रो रही हूँ कि देख ये क्या कर रही है लेडी, है ना। अगर अगर मैं अवेकन स्टेट में हूं तो मैं फौरन अपने पास्ट लाइफ में जाऊंगी, ओके पास्ट लाइफ में क्या मैंने ऐसा किया था, सपोज आपको दिख गया, इट्स ओके, सपोज क्या आप तक कुछ भी ना दिखे, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ये मास्टर अगर मैंने ऐसा कुछ किया है या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं क्या करूंगी। आपने उसको, मैंने फील किया उसको, कितना गुस्सा, कितना एंगर, कितनी नफरत आएगी, लेकिन अब जब ही स्टेट में मेरे को समझ में आ गई कि जो मेरे साथ होता है मैंने ही कहीं ना कहीं उसका बीज बोया है, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो मैं उसको माफ करूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया, और खुद को माफ करूंगी, उस ट्रोमा और पेन को रिलीज करूंगी, अपनी पूरी इमोशनल बॉडी को दोबारा से हील करूंगी, ओके, मेरी इमोशनल बॉडी अब रिपेयर होती जा रही है और ब्राइट और ब्राइट और लाइट उसमें आती जा रही है। इसी को ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन 8-8 घंटे बंद करने का, बैठने का ध्यान नहीं कहते, मेडिटेशन अवेयरनेस में रहने को कहते हैं। तो हम चलते फुरते हम हील करते हैं पास्ट लाइफ, हम घंटों घंटों मेडिटेशन में नहीं बैठे रहते, तो अवेयरनेस के साथ कि ये जो हो रहा है, ओके हमने कितनी पास्ट लाइफ ऐसे हील की है। बहुत अच्छा बताया आपने ये कि मतलब बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि ध्यान में जाके होगा, बिल्कुल चलते फिरते आपका बस अवेयरनेस होना चाहिए, मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, मेरे को किस चीज का दुख लग रहा है, ऐसे दुख नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे अब कोई भी चीज ऐसे सामने आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि आप इसके साथ बात कर रहे हो, जितने आपको अगर नहीं पता आप दो जने बात कर रहे हो, आपकी एनर्जी इसके एनर्जी में ऐसे मिक्स हो जाती है, आप दो लोग बन जाते हैं। जी जी, वो ट्रॉमा पेन जो इसमें है वो आप में ट्रांसफर, तो आपके अंदर जो ट्रॉमा पहले 20 किलो का था समझ लो 25 का हो गया, इसी तरह हम अपने वेट को बढ़ाते जाते हैं। अब एक बॉडी में इतना वेट आ गया तो वो इमोशनल बॉडी कैसे होगी, इतनी भारी, अब उसको हील करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा, नहीं ज्यादा। तो जब आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या कोई इंसिडेंट देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं तो स्टे इन योर एनर्जी फील्ड, आई एम नंबर वन इन माई एनर्जी फील्ड, आई एम नंबर वन इन माई एनर्जी फील्ड, मेरे चारों तरफ एक गोल्डन प्रकाश है और इसी गोल्डन प्रकाश में मैं अपने हायर सेल्फ के साथ हूँ। नहीं, ध्यान में आके ये चीज वैसे काफी हद तक ठीक तो हुई है, लेकिन अभी अभी जैसे एक सामने आया कि जैसे जी दूसरे की एनर्जी में घुस जाते हो, वो नहीं घुसना, आपने ही घुसना है नेहा जी, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ओके नेहा जी। तो फ्रेंड्स अब एक बार